वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे बोलने पर ऑड लगता है, जो हमारी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करते हैं। ये वर्ड क्रूड वर्ड कहलाते हैं, जिनको पोलाइट बनाने के लिए कुछ अलग ढंग से बोला जा सकता है। इंग्लिश वर्ड अलग होंगे, लेकिन मतलब वही निकलेगा। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि हमारी एक अलग छवि बने समाज में, यानी कि दूसरों के सामने एक हमारी बेहतर वैल्यू साबित हो, एक बेहतर इमेज बने। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलकर हम अपनी वैल्यूएशन यानी कि अपनी छवि को ख़राब कर लेते हैं। कुछ शब्दों के कारण सामने वाले की नज़रों में हम गिर जाते हैं, और सामने वाला समझने लग जाता है कि बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यानी कि इसको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके के वर्डों को हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उन वर्डों के बदले में कुछ और बोलना चाहिए, लेकिन मतलब वही निकलेगा। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ भाषा ऐसी होती है कि उसको बोलने पर मतलब वही निकलता है, लेकिन यदि हमने डायरेक्टली क्रूड वर्ड का यूज़ कर दिया तो उसका भी मतलब वही निकलेगा, लेकिन वो एक कठोर वर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन वर्डों का त्याग करें, और मैं आपको उन्हीं वर्डों के साथ साथ पोलाइट वर्ड भी बताऊंगा जिनका आपको यूज़ करना है। सबसे पहले लेते हैं अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मीन्स होता है बेरोजगार। यहाँ पर ये इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ये वर्ड भी पुराना हो गया और इस वर्ड को हर कोई बोलने लग गया। तो कुछ एडवांस सीखें और कुछ बेहतर तरीके से बोलें। इसको हम ना बोल के इसके बदले में हम बिटवीन द जॉब बोलेंगे, इसका मतलब भी बेरोजगार ही होता है। इसका यूज़ भी इस तरीके से कर सकते हैं, ही इज़ बिटवीन द जॉब, यानी कि वो जॉब खोज रहा है, अभी जॉब के बीच में है, यानी कि बहुत सारी जॉब हैं और उसने खोज रखी है, बस उनके बीच में अब वो सोच रहा है कि कौन सी जॉब करूं। तो अभी वो जॉब कर नहीं रहा है, बस अभी जॉब की सर्च में है, यानी कि उसको हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, इसीलिए आप अनएम्प्लॉयड की जगह बिटवीन द जॉब बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हाउसमेड या सर्वेंट, इसका मतलब होता है नौकर। और यदि आप किसी को भी बोल देंगे ये हमारा नौकर है, तो ये कुछ सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है और सुनने में थोड़ा भद्दा लगता है। इसको अवॉइड करें और इसकी जगह पर आप बोलेंगे डोमेस्टिक हेल्पर, यानी कि घर के काम में हाथ बटाने वाला इंसान। माई डोमेस्टिक हेल्पर वॉज ऑन लीव यस्टरडे, मेरे घर के काम में जो हाथ बटाने वाला है वो कल छुट्टी पर था। नेक्स्ट वर्ड फायर्ड। फायर्ड मीन्स होता है नौकरी से निकाला गया इंसान, जिसे नौकरी से निकाला जाता है उसे फायर्ड बोलते हैं। और इसके बदले में आप बोल सकते हैं लेट गो या लेट ऑफ, इनका भी मतलब वही होता है कि नौकरी से आज़ादी मिल गई या नौकरी से आज़ाद किया गया। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, उनको नौकरी से आज़ाद किया गया, दे गॉट लेट ऑफ फ्रॉम हिज जॉब। नेक्स्ट वर्ड हाउस वाइफ, इसका मतलब होता है गृहिणी, लेकिन ये वर्ड पुराना हो गया है तो इसका आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसकी जगह पे आप यूज़ करेंगे होम मेकर, यानी कि गृह स्वामिनी, माई मदर इज़ अ होम मेकर। नेक्स्ट वर्ड फैट। फैट मीन्स होता है मोटा। फैट नहीं बोल रहा है तो उसके बदले में आप यानी कि उस यानी कि इन प्लेस ऑफ दैट आपको ये वर्ड यूज़ करना है फुल फिगर्ड या हेल्दी, या फिर आप चबी भी बोल सकते हैं और प्लम्प भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है गोल मटोल। सी इज अ फुल फिगर्ड वूमेन। नेक्स्ट वर्ड टॉयलेट, इसके बदले में आप वॉशरूम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है और ठीक लगता है। मे आई गो टू वॉशरूम, जब आपको किसी से बोलना हो क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मीन्स होता है अपंग। हैंडीकैप की जगह पर कुछ और वर्ड यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए वर्ड है फिजिकली चैलेंज्ड या मेंटली चैलेंज्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड। हाथ पैर से कोई अपाहिज होते तो उनके लिए फिजिकली चैलेंज्ड बोलते हैं, जो मेंटली प्रॉब्लम में होते हैं उनको मेंटली चैलेंज्ड कहा जाता है। जो दोनों तरीके से अपाहिज हों, मेंटली और फिजिकली, तो उनके लिए आप डिफरेंटली एबल्ड भी बोल सकते हैं।
माई फ्रेंड इज डिफरेंटली एबल्ड। नेक्स्ट वर्ड डैड, डैड मीन्स मर गया। और इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं पास्ट अवे, माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। नेक्स्ट वर्ड है पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब। पुअर मीन्स कमजोर के लिए भी यूज़ करते हैं और गरीब के लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी जगह पर आप यूज़ करेंगे अंडर प्रिविलेज, इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे आई हेल्प अंडर प्रिविलेज पर्सन। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मीन्स होता है जो चीज़ पहले से कोई यूज़ कर चुका है और इसके बाद आप उसको यूज कर रहे हैं, या दूसरा पर्सन कोई यूज़ करेगा तो उसे सेकेंड हैंड बोला जाता है। और इसकी जगह पर आप ये यूज्ड वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर प्रीवियसली एंजॉयड भी बोल सकते हैं आप। इसका यूज़ करेंगे सेंटेंस में आई एम प्लानिंग टू बाय अ यूज्ड कार। तो आप समझ ही गए होंगे इन वर्डों के बारे में कि अब इन वर्डों को क्यों यूज नहीं करना चाहिए और इनको यूज़ करने से कोई मतलब भी नहीं निकलता। इसलिए इन वर्डों को बोलने से अपनी वैल्यू क्यों ख़राब करें और क्यों हम अपने आप को हीन समझें। तो इसलिए कुछ डिफरेंटली आप बोलें दूसरों के सामने तो अच्छा भी लगेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी दूसरों की नज़र में बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी पुश करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।